बताओ, कल जो पढ़ाया मैंने, जो परसेंट वाले फ्रैक्शन भी लिखाए थे, याद है? नहीं याद है क्यों? कल वाले तो थोड़ी से रिपीट कर दो, उन्हें रिवीजन कर लें। बताओ, 16 सही 2/3% कितना बताया था? 16 सही 2/3% कितना? 1/6। 12 सही 1/2, 1/8। 14 सही 2/7, 1/7। 11 सही 1/9, बताओ 11 सही 1/9 कितना? 1/9। 66 सही 2/3%, 2/3। कल इनका यूज बहुत कम हुआ है ना, आज इन्हीं का यूज होना है, ठीक है? तो मैंने कल बताया था, ये याद कर लेना, डायरेक्ट फैक्ट है, ठीक है ना? आज इस पर क्वेश्चन करते हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आज। तो अब ये यूज करेंगे जो कल लिखाए थे, ठीक है? पूरे क्वेश्चन लिखो। एक संख्या में उस संख्या के 16 सही 2/3% की वृद्धि करने पर 700 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? अगर क्वेश्चन लिख लिया हो तो बोर्ड की तरफ देख लो, ठीक है? कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? सबसे पहले कैसे बोलो, 16 सही 2/3% को किसमें चेंज करेंगे? भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन में बदलेंगे। रवि, 16 सही 2/3% मैंने कितना बताया था कल, बताओ? इसे भिन्न के रूप में कितना आएगा? नहीं याद किया। रविंदर, देखो याद करो इन्हें, ऐसे नहीं, इनका यूज होना है। बताओ कितना? 1/6। 1/6। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ये जो 1 है ये कितना परसेंट है, और 6 है ये कितना परसेंट है? 1 कितना है? 16 सही 2/3%, सही है? और ये 100%। तो बताओ, अगर ये 100% है, इसे क्या कह सकते हैं? मूल संख्या कह सकते हैं या फिर वास्तविक संख्या? क्या बोल सकते हैं? मूल संख्या, मूल संख्या कहें या फिर क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या, ठीक है? एक ही बात है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोला? 16 सही 2/3% की वृद्धि। अगर कोई संख्या तुम्हारी क्या है? 6 है। अगर क्वेश्चन में वृद्धि बोला है तो बताओ ये क्या चीज़ बन जाएगी? क्या बन जाएगी? वृद्धि बन जाएगी ना बन जाएगी? यानी अगर कोई संख्या 6 है और उसमें कितने की वृद्धि हो रही है? एक की। ध्यान से समझना है, इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना है ये? 6 है और कितने की वृद्धि हो रही है? एक की। यानी मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या कितनी है? 6 परसेंट है वो। कितनी है? 6। ये बताओ वृद्धि करने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी? 7। कितनी हो जाएगी? 7, क्योंकि वृद्धि कितनी हो रही है। तो मुझे बताओ मूल संख्या अगर 6 है और वृद्धि करने के बाद कितनी होगी? 7। क्वेश्चन में जो 700 वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है बताओ मुझे? किसकी दे रखी है? 7 ही। क्यों? उसने क्या बोला? वृद्धि करने पर 700 प्राप्त होता है, वृद्धि करने पर। तो यहाँ वृद्धि करने पर संख्या क्या बनेगी? 7। तो बताओ 7 की वैल्यू कितनी? 700। यानी कि 7 की वैल्यू 700। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? 1 की वैल्यू। क्या निकालेंगे? 1 की वैल्यू हमेशा निकालनी है, हमेशा 1 की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ 7 की वैल्यू कितनी? 700। तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी? कितनी? 700/7 कितनी निकलेगी बताओ? 100। ये समझ आया ना? बताओ आ गया। हमें क्या निकालना था बताओ? वह संख्या क्या है, यानी मूल संख्या क्या है? मूल संख्या क्या है? 6 है। 1 की वैल्यू जो भी आई है, 1 की वैल्यू जो भी आई है, अब जो पूछा हुआ 1 की वैल्यू पुट कर दो। 1 की वैल्यू कितनी? 100। तो 6 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? 6 में 100 का मल्टीप्लाई, 6 में 100 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बताओ? 600। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया ना? रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस पर। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, ठीक है? क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है। यहाँ पे जो 16 सही 2/3% लिखा है, यहाँ पर चेंज कर दो, यहाँ कर दो 37 सही 1/2%। कितना? 37 सही 1/2%। क्वेश्चन वही है, वृद्धि करने पर, और जो संख्या है वो तुम्हारी 700 की जगह हो जाती है कितनी? 66। वृद्धि करने पर कितना? 66। क्वेश्चन वही है, संख्या पूछा है क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना बताओ मुझे? बताओ 37 सही 1/2% कितना होता है बताओ? ये
याद है नहीं है कितना 3/8 समझ आ गया कैसे किया है समझ आ गया रवि आया है कैसे किया है 2 का 37 मल्टीप्लाई कितना बन गया 74 और 1 ऐड करें कितना 75/2 और परसेंट घटा क्या कर देंगे 1/100 25 दिया और 25 चौके 100 कितना 3/8 इस तरीके से निकल के आया है। अब मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पे 3/8 है वृद्धि कितनी हो रही है यहाँ पे 37/2% बोला और ये वैल्यू किसकी है 37/1% बताओ ये वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है yes. कितने का इंक्रीज हो रहा है 3 का जो बूस्ट जो मूल संख्या थी तुम्हारी वो कितनी थी मूल संख्या कितनी है 8 है ये बताओ जो 66 जो प्राप्त हो रहा तुम्हें कब प्राप्त हो रहा है 66 जो प्राप्त हो रहा कब प्राप्त हो रहा है वृद्धि करने के बाद तो मुझे बताओ 8 में कितने की वृद्धि हो रही है 3 की तो मुझे बताओ वृद्धि करने के बाद संख्या कितनी बन जाएगी 11 की वैल्यू कितनी है 66 बताओ 11 की वैल्यू 66 1 की वैल्यू कितनी है भाई 11 = 66 होगा ना होगा सही है 1 = कितना 66/11 कितना आ जाएगा 6 अब जो भी पूछा वहाँ 1 की वैल्यू पुट कर दो 1 की वैल्यू कितनी आई है 6 या मल्टीप्लाई कर दो 8 में कितने का 6 का कितना हो जाएगा 48 यही तुम्हारा आंसर है 48 समझ आ गया तो हम देखो यहाँ पर क्या करना अगर क्वेश्चन में वृद्धि बोला तो वृद्धि होगी अगर क्वेश्चन में तुम्हारे में बोलता कमी तो ये क्या बन जाती ऊपर वाली वैल्यू कमी बन जाती समझ आ गया नोट कर दो जल्दी से एक संख्या और एक क्वेश्चन और लेते हैं क्वेश्चन तो मिटा देता हूँ मैं ना इसे लिख दो तब तो तुम एक संख्या में उस संख्या के 12/1/2% अब यहाँ वृद्धि नहीं है अब यहाँ पे वृद्धि नहीं है कमी कर रहा है वो क्या कर रहा है कमी या फिर क्या बोले घटाने पर या फिर कमी करने पर और संख्या कितनी बन जाती है ये 70 कितनी बन गई 70 मिटा दूँ सॉल्यूशन मिटा दूँ अब बताओ कैसे करेंगे बताओ तो सबसे पहले जो हमारा प्रतिशत दे रखा है उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे भिन्न के रूप में बदलेंगे तो बताओ 12/1/2% बताओ कितना हो जाएगा ये 1/8 कल लिखवाया था अब ये बताओ क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये तो ये बताओ बन कमी होगी या वृद्धि कमी बोला तो क्या होगी कमी होगी कितने की कमी एक की कमी क्वेश्चन में क्या बोला कमी बोली है मूल संख्या कितनी है ये मूल संख्या है अगर मूल संख्या 8 है तो बताओ कमी करने के बाद संख्या कितनी रह जाएगी एक की कमी हो जाएगी कितना हो जाएगा 7 और जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है किसकी दे रखी है कमी करने पर है या फिर कमी करने के बाद पहले है कमी करने पर है कमी करने पर संख्या यहाँ कितनी बन रही है तो 7 की वैल्यू कितनी 70 1 की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी आएगी भाई 7 का भाग दे देंगे 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10 और 1 की वैल्यू जो आएगी 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 10 और 1 की वैल्यू जो भी आएगी कहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे जो संख्या पूछी है 10 का 8 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 80 है ही तुम्हारा आंसर है क्वेश्चन यही है यहाँ पर चेंज करो 27/1/2% चेंज करके बताओ कितना आएगा ये करो बदलो इसे 27/1/2% इसे बदलो कितना आएगा और जो संख्या बन जाती है वो बन जाती है तुम्हारी 87 कितनी 87 संख्या पूछा है कैसे करेंगे बताओ सबसे पहले वही काम करना है हमें कौन सा वाला 27/1/2% को किस में बदलना है भिन्न में देखो ये डायरेक्ट नहीं लिखा है मैंने है ना तो कैसे चेंज कर लेंगे बताना मुझे 27 × 54 54 + 1 = 55 और 55/2 100 ये परसेंट है इसे बदलना है किस में भिन्न के रूप में तो क्या आएगा बताओ 1/100 5 से कितना हो जाएगा ये 11 है और 5 से कितना हो जाएगा ये 20 कितना आ जाएगा बताओ 11/40 दो ये ना है 40 तो मुझे बताओ ये कमी है या वृद्धि कमी है क्यों क्वेश्चन में कमी बोला मूल संख्या कितनी है 40 तो मुझे बताओ कमी करने के बाद संख्या कितनी रह जाएगी
कमी करने के बाद संख्या कितनी रह जाएगी? 29. कितनी? 29. 40 में से 11 क्या करना पड़ेगा बताओ? माइनस करना पड़ेगा. कितनी रह जाएगी? 29 है ना, 29. 40 में से 11 माइनस करा कितना रह गया? 29. अब ये बताओ, जो 87 जो वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है? किसकी दे रखी है? कमी करने पर है. कब है कमी करने पर? और कमी करने पर यहाँ संख्या कितनी है? 29. की वैल्यू कितनी बताओ? 1 की वैल्यू कितनी? 3. कितनी? 3 निकलेगी है ना. यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी? 3. 29 का भाग दे देंगे इसमें. अगर 1 की वैल्यू 3 तो बताओ 40 की वैल्यू कितनी? मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें. 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 120. यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर दिया? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा. बताओ समझ आया नहीं आया? अच्छी तरीके से? बढ़िया. जल्दी तो नहीं हो रही है? नहीं. एक संख्या के पचहत्तर प्रतिशत में, ठीक है, 75% में 75 जोड़ने पर 75% में 75 जोड़ने पर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है. योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है. क्वेश्चन लिख रहे हो, वह संख्या कितनी है? तो वह संख्या कितनी है? तो सबसे पहले काम वही करना है. कौन सा वाला रविंदर? कौन सा वाला? 75% को किसमें चेंज करना है? भिन्न के रूप में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना. बताओ 75% कितना हो जाएगा बताओ? ये 3/4. ये बताओ ये किसकी वैल्यू है? ये 75% है कि नहीं है? और ये 100% है कि नहीं है? बताओ बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? इसने क्या बोला है? 75% है 75 जोड़ने पर. 75% की वैल्यू कितनी है? 3. और उसमें कितना जोड़ना है? 75. और 75 जोड़ने पर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है. कौन से संख्या के बराबर? जो संख्या थी, यानी कौन सी? जो 100% है. तो बताओ कैसे? 3 में डायरेक्ट 75 जोड़ दें. बताओ क्या 3 में 75 डायरेक्ट जोड़ दें? बताओ. तीन बराबर पचहत्तर क्यों? इसने क्या बोला? 75% में 75 जोड़ने पर. तो 75% तुम्हारा ये है, और 75% 75 ही तो जोड़ना है. दो क्वेश्चन जो पिछला था उससे थोड़ा डिफरेंट है ये. इसने क्या बोला? 75% 75 जोड़ना है. तो मुझे बताओ क्या 3 में डायरेक्ट 75 जोड़ दूँ? नहीं. क्यों? देखो क्या ये 3 तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू है? नहीं है. एक्चुअल है क्या? नहीं है. 75 कैसी वैल्यू है? एक्चुअल वास्तविक संख्या है. ध्यान रखो, बोल देना पड़ेगा. ध्यान रखो कैसे करेंगे? अगर तुमने कोई संख्या मानी हुई है उसमें हम एक्चुअल संख्या नहीं जोड़ सकते. एक्चुअल में एक्चुअल जोड़ेंगे. ये तुम्हारा फ्रैक्शन में चेंज किया है, 3 में 75 नहीं जोड़ सकते. इस 3/4 का मतलब क्या है बताओ? 3x/4x भी लिख सकते? नहीं लिख सकते बताओ. 3x/4x लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत है बताओ? लिख सकते नहीं लिख सकते? तो यानी कि जब तुम्हें फ्रैक्शन में कोई चीज़ दे रखी है या रेशियो में दे रखी है, अगर उसमें कोई एक्चुअल वैल्यू जोड़नी है तो उसके साथ कोई ना कोई गुणांक लेना पड़ेगा. जैसे हमने 3 के साथ कौन सा गुणांक ले लिया? x. और 4 के साथ भी कौन सा? x. दोनों का अलग अलग नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों अनुपात में. अब मुझे बताओ, अब डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ सकते हैं. तो बताओ 75% अब भी है ये? 75% कितना? 3x. 75% में 75 जोड़ने पर प्लस 75, और किसके बराबर हो जाता है? उस संख्या की. संख्या कितनी है? 4x. तो मुझे बताओ x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 75. सही है, क्योंकि ये क्या है? 3x है, इधर ले जाएंगे. x बचेगी, x बराबर कितना? 75. उसने पूछा हुआ है संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 75 जोड़ कर देंगे. यानी संख्या कितनी? 4x है. मूल संख्या यही तो है हमारी.
भाई मूल संख्या तो यही है, तो मूल संख्या कितनी 4x, और x की वैल्यू कितनी है 75। 75 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, कितना आ जाएगा आंसर 300। अगर थोड़ा सा ध्यान देते तो बहुत शॉर्ट हो जाता है, ये करने की सब ज़रूरत नहीं थी। ये समझ आ गया, ये बताओ पहले, अभी बता रहा हूँ कैसे। ये समझ आया, ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी अगर थोड़ा सा दिमाग लगा देते तो। कैसे, नोट कर लिया है? कर लिया, ठीक। देखो कैसे, ध्यान से देखना, से मुझे एक चीज़ बताओ तुम, हालांकि वो भी क्वेश्चन लंबा नहीं है, ये सॉल्यूशन है। इसने क्या बोला था, ये 75% है, 75% में 75 जोड़ने पर वह उसका जो योगफल है संख्या के बराबर हो जाता है। ये बताओ मुझे, ये 75% है, ये 100% है, 75% 75 जोड़ने पर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। संख्या कौन से, 4 के बराबर। तो मुझे बताओ तीन में कितना जोड़ूंगे 4 के बराबर हो जाए, एक। एक की वैल्यू कितनी भाई, यहाँ एक जोड़ रहा हूँ, कितना जोड़ रहा है 75। एक की वैल्यू कितनी, 4 की वैल्यू कितनी, यही आंसर है। वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, बताओ समझ आया। पहले वाला भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भी सही है, समझ आ गया। एक और क्वेश्चन लिखो फिर, समझ आ रहा अच्छी तरीके से। अच्छा देखो, 75% था, इसे फ्रैक्शन में चेंज कर 3/4, ये हमें पता है 75% है, ये 100% है। उसने बोला 75% में 75 जोड़ने पर जो योगफल जो प्राप्त होता है उस संख्या के बराबर होता है। संख्या कौन सी, यानी जो वास्तविक संख्या, जो मूल संख्या है। मूल संख्या कितनी थी, 4। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितना जोड़ूँ कि मूल संख्या के बराबर हो जाए, तीन में कितना जोड़ूँ, एक। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, वहाँ कह रहा है 75 जोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है, एक जोड़ने पर। दोनों का कंपैरिजन करेंगे, एक बराबर कितना 75, बन की वैल्यू अगर 75, हमें क्या निकालना था, मूल संख्या। मूल संख्या कितनी, 4 गुना 75 बराबर 300। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि संख्या 375 प्राप्त हो। क्वेश्चन लिख लिया रविंदर, लिख लिया, तो क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले ये जो 25% है इसे किस में चेंज करेंगे, 12 से 1/3% की वृद्धि। आ गया आंसर 12 सही। अभी सॉल्यूशन देखते हैं कितना आ रहा है, बताओ 25% था, 1/4 कर दिया। अब ये बताओ मुझे कम कर रहा है या वृद्धि कर रहा है, कम कम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी बताओ, ये कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ये क्या है हमारी, मूल संख्या है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 225 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, कम करने के बाद वृद्धि करने के बाद किस कब दे रखी वैल्यू है, कम करने के बाद। तो मुझे यहाँ बताओ यहाँ पर कम करने के बाद कितना रह जाएगा, ये 4 है, एक की कमी करनी है, कितनी रह जाएगी 3। अगर मूल संख्या तुम्हारी 4 है तो कमी करने के बाद कितनी रहेगी 3। सही है, यहाँ तो बताओ, ये बताओ 225 किसकी वैल्यू बनेगी, 3 की बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ कमी करने के बाद 3 है, यहाँ कमी करने के बाद कितना है 225, 3 की वैल्यू कितनी 225। यहाँ से प्यारे बन की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, यहाँ से बन की वैल्यू निकालें कितना आएगा 75। कैसे, 3 का भाग दे देंगे 225 में, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछू संख्या क्या होगी तो बताओ संख्या क्या है, बन की वैल्यू कितनी 75, कितना हो जाएगा 300। यानी जो मेरी संख्या वो कितनी है 300। अब यहाँ तक तो सही है, अभी क्वेश्चन जो था, देखो इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन को पढ़ा, उसने ये नहीं पूछा कि 300 का कितना परसेंट 375 है, समझ रहे हो, ये नहीं पूछा कि 300 का कितना परसेंट 375 है। क्वेश्चन ने बोला क्या, देखो अभी तो यहाँ तक क्वेश्चन था मेरा, नहीं था यहाँ तक करवाया मैंने, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ाया, क्या उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि संख्या 375 प्राप्त हो। संख्या कितनी है बताओ, मूल संख्या तुम्हारी 300 है, मूल संख्या तुम्हारी कितनी है 300, संख्या कितनी प्राप्त करनी है 375, संख्या कितनी प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे इस तरीके जो क्वेश्चन आता है, कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़े या कितने प्रतिशत की कमी की बात करें, तो सबसे पहले ये देखना है कि कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है 75 की हो रही है, 75 की वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हो किससे रही है 300 से हो रही है, तो अपॉन कितना हो जाएगा 300 इंटू, आंसर किस में चाहिए भाई, यही तो पूछा है कितने प्रतिशत वृद्धि, आंसर प्रतिशत में चाहिए, क्या करना पड़ेगा 100, दोनों जीरो कैंसिल, बताओ
थ्री से कितना, तो कितना आएगा 25%। तो कहाँ गलती कर रहे थे? देखो 300 का एक्सपेंशन क्यों कर रहे थे, इसने ये तो पूछा नहीं कि 300 का कितना परसेंट 375 है, कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। तो सबसे पहले देखना है कितने की वृद्धि की जाए और किससे की जाए। हाँ, मूल संख्या की बात चल रही है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें फॉर्मूला लिखा दूँ कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितने प्रतिशत कमी करने के लिए अगर पूछता है तो किस तरीके से करना है। फॉर्मूला नहीं, सिंपल ही है। हाँ, इसे रफ कर दूँ, इसे कर दूँ। देखो क्वेश्चन तो मिटा दे, क्वेश्चन लिख दे, सोल्यूशन लिख दो। तब तक अगर तुमसे बात करें, इस तरीके से आता है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ना, या फिर क्या हुई, कमी हुई। अगर ये पूछता है तो बराबर हमें ये देखना है कि कितने की वृद्धि, कितने की वृद्धि या फिर कमी, जो भी पूछता है, सही है। कितने की वृद्धि या कितने की कमी, और किससे वृद्धि, किससे वृद्धि या फिर कमी, इनटू 100। देखो यही तो था कुछ, इसने पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो कितने की वृद्धि की जाए सबसे पहले ये देखेंगे। यही तो था, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो मैंने क्या देखना, कितने की वृद्धि की जाए पहले। तो बताओ कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 75 की। ये कर दी, किससे वृद्धि हुई है बताओ, 300 से हुई है, तो 300 × 100 डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से कमी की बात करते तो कमी का निकाल देंगे। समझ आ गया ये? अब थोड़ा बुक दे दो मुझे, बुक में से क्वेश्चन करा दूँ तुम्हें। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो मुझे बताओ, सबसे पहले मैंने क्या बताया, करो तुम इसे सॉल्व, कितना आंसर आएगा मुझे बताओ भाई। सबसे पहले चेंज कर देंगे, नहीं कर देंगे इसे, कितना आ गया 720। चलो चेंज किया, यहाँ 20% कितना है भाई, ये 20% ही तो है ना, ये 100% है, ये मूल संख्या है, ये 120 किसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी, एक की, क्योंकि उसने बोला है यदि 120 एक संख्या का 20% है, और यहाँ 20% की वैल्यू कितनी है, 1, यानी 1 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू कितनी 120। हम 1 की वैल्यू वैसे भी निकालते थे, यहाँ डायरेक्टली 1 की वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी 120। अगर तुमसे बात करें मूल संख्या कितनी होगी तो बताओ मूल संख्या कितनी होगी, 120, और मूल संख्या कितनी है 5, 5 का क्या देंगे गुणा, कितना हो जाएगा बताओ 600। लेकिन क्वेश्चन में 600 नहीं पूछा है, क्या पूछा है, उस संख्या का 120% कितना होगा। तो बताओ इसका 120% कितना होगा, 600 का 120% कैसे करेंगे, 120/100, सही है, दोनों जीरो कैंसिल, और 12 छक्के कितना, यही तुम्हारा आंसर है। आया समझ, तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम हैं। दूसरी, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो बताओ क्या करेंगे, इसमें बताओ कौन कितनी संख्या दे रखी है, तीन दे रखी है, तीन संख्याओं पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 37% कम है। ये बताओ मुझे, यहाँ पर जो है तीनों संख्याओं में किसी के बारे में बिल्कुल भी एक संख्या कौन सी है जिसके बारे में जानकारी ना दी गई है, तीनों संख्याओं में से, तो 100 कौन सी संख्या है। इसने बोला पहली संख्या और दूसरी संख्या 30% 37% कम है, किस से, तीसरी से। तीसरी पता तो नहीं है कितनी है, तो जिसके बारे में नहीं पता ऐसा करो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो जिसके बारे में कुछ नहीं पता उसे मानेंगे 100, गलती से इन्हें 100 नहीं मानना है, ठीक है। अगर ये 100 है तो बताओ पहली संख्या कितनी कम है, तो बताओ 100 से 30% कम कितनी हो जाएगी, 70। दूसरी कितनी कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, 63, सही है। बताओ संख्या तीनों मालूम पड़ेगी ना मालूम पड़ेगी, तो जिस संख्या के बारे में बिल्कुल भी कुछ ना पता उस संख्या को कितना मान लेंगे, 100। अच्छा, उसने पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहले वाली की तुलना में, बताओ पहली कितनी है 70 और दूसरी कितनी है
63, उसने पूछा कितने प्रतिशत कम है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात करें तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कितनी कमी हो रही है कितनी वृद्धि। यहाँ किसकी बात कर रहा है, ये कमी की बात करो तो क्या देखेंगे, कमी देखेंगे। बताओ कितनी कमी हो रही है इसमें, सात की कमी हो रही है, किससे हो रही है, 70 से इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 बताओ कितना, 10% क्या हो गई, कमी हो गई। आ गया समझ, आ गया था आंसर, तो पहले आ गया था, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बताओ कराने की ज़रूरत है, क्यों, कौन से वाले का, अच्छा वृद्धि का, तो इसी में से बना दो, पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है, अगर करना है तो यहीं बना दो, पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है, निकालो चलो, 10% नहीं होगा, यही तो गलती कर रहे हो, 10 कैसे हो जाएगी, गलती मत करो। अगर यहाँ पे यही बात करें कि पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो उसे करो ना, हाँ 10% नहीं आएगा, ये गलती मत करना, तो रुक जाओ अभी, पहली संख्या कितनी तो बताओ, सॉरी कितनी थी, 70, सेकंड कितनी, 63, और थर्ड कितनी, 100, तो क्वेश्चन तो वो आ गया है वो 10%, ठीक है, हम दूसरे पलट के बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या नाम है, दूसरे की ना करके ये पूछता कि पहले वाली दूसरे से कितना परसेंट अधिक है, तो आंसर क्या होता, 10% नहीं आता, फिर कितना आता बताओ, कितना अधिक है, ये 7 अधिक है, किससे अधिक है, 63 से अधिक है, इंटू, तो ये गलती मत कर देना एग्ज़ाम में जाके कि ये 10 कम है तो ये 10 ज़्यादा ही होगी, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 100/9 और 100/9 का हो जाएगा 11 सही, 1/9%। आगे समझ, इतने की वृद्धि हो जाएगी। हाँ एक क्वेश्चन लिखो, यहाँ से तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। SD यादव का क्वेश्चन नंबर सेकंड, SD यादव का क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्या क्वेश्चन क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज़्यादा है। ऑप्शन दूँ, लिख लो एक बार, ऑप्शन भी देख लो, वैसे ऑप्शन की जरूरत क्या है इसमें, नहीं है, कर दिया तुमने ना, क्या बताऊँ इसे क्या करेंगे, सबसे पहले बताऊँ 33 सही 1/3% किसमें चेंज कर देंगे, कितना आ जाएगा बताओ, 1/3, कम की बात कर रहा है ज़्यादा की, कम की बात कर रहा है, तो ये बताओ क्या बनेगी, कमी बनेगी, कमी बनेगी ना बनेगी, ये बताओ, तो कमी करने के बाद संख्या कितनी आएगी, दो, अगर कमी से पहले 3, कमी करने के बाद 2, अब यहाँ बताओ मुझे ए कौन सा और बी कौन सा, देखो यहाँ से मालूम पड़ा, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, किसका कम है, ए का कम है, तो कम वाली वैल्यू किसकी बन जाएगी, ए की, ये किसकी बन जाएगी, बी की, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ, बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज़्यादा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो बताओ सबसे पहले क्या देखेंगे, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा बताओ, एक ज़्यादा, और किससे ज़्यादा, इंटू 100 50, कितना आ गया, तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा था, 50% सही है, आ गया समझ में जी। अच्छी तरीके से पसीना आ गया अब तो। एक क्वेश्चन और लिखो, देखो क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने परसेंट बढ़ाना है, समझ आया क्वेश्चन, नहीं आया, उसने क्या पहले 10% घटा दिया है, अब वो कह रहा पहले ही इतना लाना है तो कितने परसेंट की नए दाम वाले वृद्धि करनी पड़ेगी, तो फ्रैक्शन चेंज करो इसे परसेंट को, बताओ कितना आ जाएगा, 1/10 कितना आया, 11 से 1/10, ये बताओ ये क्या है, बताओ कमी है वृद्धि, कमी, ये मूल संख्या है, तो मुझे बताओ कमी करने के बाद संख्या कितनी बन जाएगी, 9 बन जाएगी, सही है, कमी करने के बाद तुम्हारी संख्या 9 बन गई, उसने क्या बोला बताओ, पुराना दाम कौन सा था इसमें, नया दाम कौन सा है, हाँ पुराना दाम कौन सा है, पुराना होगा 10, क्योंकि बोला कमी करने के बाद तो नया दाम बनेगा, तो बता ये पुराना दाम है, ये कौन सा है, नया दाम है, तो लिखना चाहो तो लिख दो, ये पुराना ओल्ड प्राइस है ये,
और ये तुम्हारा कैसा है न्यू प्राइस, ये नया दाम है। उसने क्या बोला है, नए दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। चलो लास्ट क्वेश्चन कर दो उसे, रहने रहने देखो लाइट चली गई, लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ उसे ना। नए दाम में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो बताओ नए दाम में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये देखो कितनी करनी पड़ेगी, एक की, एक की, और किससे करनी पड़ेगी, नौ से इंटू हंड्रेड कितना आ जाएगा भाई, बताओ कितना आएगा, ये ग्यारह सही एक बट्टे नौ प्रतिशत देगी। तो आज फिर इतना ही कर देते हैं, लाइट चलेगी ठीक है, कल मिलेंगे, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।